दोस्तों नमस्कार, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। NHPC लिमिटेड की बात करते हैं। 56.30 रुपये में स्टॉक प्राइस है, 34% का रिटर्न है पिछले एक साल का। आपके पास शेयर है तो एक तेज़ी बनी है, 52-week high है 57.65 रुपये। आज ही इंट्राडे का भी हाई 57.65 रुपये का। दोस्तों तो NHPC की बात करते हैं, पावर सेक्टर की कंपनी है, 36.75 रुपया इसका लो था। तो स्टॉक में देखिए एक तेज़ी बनी है, धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आगे की बात करेंगे, शेयर प्राइस आगे कैसा रहेगा और इसके बिजनेस की बात करेंगे। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स को देखते हैं और शेयर बाज़ार में भी तेज़ी है। निफ्टी ने नया हाई बनाया, तो NHPC लिमिटेड ने भी नया हाई बनाया। उसके बिजनेस की बात करते हैं और चार्ट पैटर्न के अनुसार देखेंगे कि किस तरह का ट्रेंड बना हुआ है शेयर प्राइस का, स्टॉक प्राइस का। NHPC के बारे में जानकारी लेते हैं, डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। दोस्तों आपका निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, तो एक तेज़ी तो बनी है NHPC लिमिटेड में और बाज़ार में भी तेज़ी है। निफ्टी भी अपने हाई में ही कारोबार कर रहा है। पावर सेक्टर की ये कंपनी है और हाइड्रो पावर कंपनी है दोस्तों, और PSU कंपनी है। कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाता है। तो NHPC के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले इसके फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं। NHPC लिमिटेड का ये लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट है। 30/9/2023 के क्वार्टर में रेवेन्यू की बात करते हैं, इनकम की बात करें, 2,485 करोड़ का रेवेन्यू था। अदर इनकम को प्लस करके टोटल इनकम का जो अपडेट आया था 2,614 करोड़ का था। इससे पहले क्वार्टर में 2,849 करोड़ का था, एक साल पहले 2,951 करोड़ का था। तो अब की बार टोटल इनकम कम हुआ था NHPC लिमिटेड का। और प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो कंपनी का जो प्रॉफिट था, जो अपडेट आया था, 1,447 करोड़ का था दोस्तों, 1,447 करोड़ का था। और इससे पहले क्वार्टर में 1,052 करोड़ का था, एक साल पहले 1,433 करोड़ का था। अब की बार जो प्रॉफिट था, 1,447 करोड़ का प्रॉफिट का अपडेट आया था दोस्तों। कंप्रहेंसिव इनकम की बात करते हैं, 1,456 करोड़ का था। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं, तो देखिए जो अर्निंग पर शेयर रहा है, अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं, EPS की बात करें, 1.42 का है और इससे पहले 1.03 का था, एक साल पहले 1.27 का था। तो लास्ट क्वार्टर में जो इनकम था वो कम हुआ था, लेकिन प्रॉफिट बड़ा था, 1,447 करोड़ का प्रॉफिट था NHPC लिमिटेड को। देखिए मार्केट कैप की बात करते हैं, 56,654 करोड़ का है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर है 36 का। EPS की बात करते हैं तो 3.88 का है, डिविडेंड यील्ड है 3.28 का। कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाता है। तो NHPC का जो बुक वैल्यू पर शेयर है 36 रुपीज़ का, और अपने बुक वैल्यू से दुगने में भी कारोबार नहीं कर रहा है NHPC का स्टॉक प्राइस, तो 56-57 रुपीज़ में है। तो ये फंडामेंटल्स हैं जिसमें अंडर वैल्यू स्टॉक है NHPC लिमिटेड। अब शेयर प्राइस का जो ट्रेंड रहा है उसके अनुसार बात कर लेते हैं। अब दोस्तों चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं। NHPC लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स हैं। चार्ट की तरफ अगर हम ध्यान दें तो देखिए स्टॉक में एक तेज़ी बनी है, बीच बीच में देखिए प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और इससे पहले स्टॉक देखिए 56.85 रुपया इसने हाई बनाया था सितंबर के महीने में, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, नीचे की तरफ स्टॉक आया और ये 48 रुपीज़ तक। अब 48 रुपीज़ से इसकी एक रैली बनी है, ऊपर की तरफ पहुँचा, ये 10 रुपया ऊपर की तरफ है, धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ रहा था दोस्तों। ज़्यादा इसकी चर्चा नहीं होती NHPC लिमिटेड की। और आज की बात करते हैं तो 57.65 रुपये का इसने हाई बना लिया, तो पिछला एक जो टॉप था इसका उसको ब्रेक किया है। 57.65 रुपया जो इसने हाई बनाया है, इसके ऊपर स्टॉक का जो हडल होगा 60 रुपीज़ का होगा दोस्तों। 60 रुपीज़ के ऊपर ये टिकता है तो एक अच्छी खासी तेज़ी इसमें देखने को मिल सकती है। स्टॉक हमें लगभग 70-80, जिस तरह से SJVN का जो स्टॉक है काफ़ी ऊपर की तरफ तक पहुँचा है, तो एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है दोस्तों। बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, लेकिन जो ट्रेंड बना हुआ है वो अप ट्रेंड है दोस्तों। अब देखिए दूसरा इंडिकेटर जैसे कि RSI 69 में पहुंच गया, तो 75 के आसपास जाएगा तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, जो टेक्निकल चार्ट के अनुसार कारोबार करते हैं। बीच बीच में देखिए ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, तो इसका RSI लगभग 70-75 के आसपास पहुंचा है, तो प्रॉफिट बुकिंग आई है। जो सपोर्ट रहेगा 54-52 रुपीज़ का रहेगा, और बड़ा जो सपोर्ट रहेगा 48 रुपीज़ का रहेगा दोस्तों। तो ये 50 रुपीज़ के ऊपर ही रहेगा तो स्टॉक में एक तेज़ी बनेगी, लेकिन बड़ी तेज़ी जो है 60 के ऊपर ये टिक जाता है,
दो तीन ट्रेडिंग सेशन ऊपर की तरफ ही क्लोज होगा तो फिर इसमें 70 रुपीज़ का टारगेट बन सकता है दोस्तों। तो स्टॉक में देखिए एक तेज़ी बनी है, बट ये कि बड़ा मूव नहीं है, धीरे धीरे स्टॉक बढ़ रहा है दोस्तों। तो NHPC को जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, और जिनका टारगेट हिट हो जाता है शॉर्ट टर्म में तो अपने अनुसार प्रॉफिट बुक करें, पार्सली प्रॉफिट बुक करें। स्टॉक नीचे की तरफ आए तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और स्टॉक प्राइस अभी 56-57 रुपीज़ में है, अपने बुक वैल्यू से दुगने में भी नहीं है दोस्तों। SJVN की तरह तेज़ी आ सकती है, बट ये कि समय लग सकता है। तो हमारा जो व्यू रहेगा होल्ड करना चाहिए, और जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तो डिसीजन लें कि हमको करना क्या है। टारगेट हिट होता है तब अपना फैसला करना चाहिए कि हमको क्या करना है दोस्तों। अल्टीमेटली जब आप ख़रीद रहे हैं तो आपने समय दिया होगा कितने समय तक हम NHPC में रहेंगे, पोर्टफोलियो में रखेंगे, ये टारगेट हमारा होगा। तो जब टारगेट आ जाता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या फिर सिचुएशन के हिसाब से देखना चाहिए कि क्या करना है। तो ये NHPC का लेटेस्ट अपडेट है, इसके फाइनेंशियल नंबर का अपडेट था, और जो सिचुएशन बनी है NHPC लिमिटेड में, टॉप बना रहा है स्टॉक, नया टॉप बनाया है और एक तेज़ी देखने को मिल रही है। ये NHPC लिमिटेड का लेटेस्ट अपडेट है। शेयर बाजार की जानकारी के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।